मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि चंद्र नमस्कार यानी कि मून सॉल्यूटेशन को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आप दोनों हाथों को ऊपर को ले गए, फिर अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। आपके दोनों बाजू आपके कानों के पास सटे हुए हों। इनहेल करते हुए नीचे आएंगे, एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए आएंगे, इसके बाद लेफ्ट साइड जाएंगे, इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। इसके बाद आप अपने दाहिने पैर को उठाकर दाहिनी तरफ ऐसे रख लेंगे। इसके बाद आप दोनों कोहनियाँ ऐसे, घुटने और दोनों कोहनियों को ऐसे मोड़ लेंगे। इस स्थिति में आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। फिर आपने अपने कोहनियों और दोनों घुटनों को सीधे करना है। इसके बाद आप अपने राइट हैंड को राइट लेग की तरफ ले जाएंगे और त्रिकोणासन की पोजिशन में आएंगे। अपने लेफ्ट हाथ को देखिए, इस स्थिति में आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहे। अब इसके बाद आप अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर की तरफ ऐसे रखिए और अपने सिर को, अपनी छाती को अपने घुटने से स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहे, मुड़ने न पाए। फिर आपने इसके बाद अपने बाएं पैर को ऐसे मोड़ लेना है, अर्धचंद्रासन की पोजिशन में आना है। ऐसे दोनों हाथों को ऊपर को ले जाइए, अपने शरीर को पीछे की ओर बेंड कीजिए। इनहेल करते हुए अर्धचंद्रासन की पोजीशन में आएंगे। फिर इसके बाद आप पंजों के बल बैठ जाएंगे। हो सके तो अपने हिल को जमीन पर ऐसे रख लीजिए और दूसरा पैर इस स्थिति में आपका बिल्कुल सीधा रहे। फिर इसके बाद सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। दूसरी तरफ गए आप, अपने पंजों के बल ऐसे बैठिए और हो सके तो अपने हील को जमीन पर रखिए। लेफ्ट साइड ऐसे मुड़ जाएंगे और अर्धचंद्रासन की पोजीशन में आएंगे। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखिए और अपने सिर को, अपनी छाती को अपने घुटने पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद त्रिकोणासन की स्थिति में आएंगे। अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लीजिए और राइट हाथ को ऊपर की तरफ कीजिए। फिर इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे, अपनी कोहनी और अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लेंगे। राइट पैर को लेफ्ट साइड ले आएंगे, दोनों हाथों को अपनी कानों के पास ऐसे ले आएंगे और अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए नीचे आएंगे, एक्सहेल करते हुए राइट साइड जाएंगे, इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर में। ये तो हमने मून सॉल्यूटेशन का आधा राउंड किया, अब हम इसे लेफ्ट साइड से करेंगे। अपने दोनों बाजुओं को अपने कानों के पास ले जाइए और अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फिर नीचे आए, इनहेल करते हुए नीचे आए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड गए, इनहेल करते हुए बीच में राइट साइड बेंड किया, इनहेल करते हुए बीच में। इसके बाद आप अपने बाएं पैर को उठाकर बाएं ओर ले जाएंगे और अपने कोहनियों और दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेंगे। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी इस पोजिशन में। फिर इसके बाद आप अपने घुटनों को और हाथों को सीधा कीजिए। फिर इसके बाद त्रिकोणासन की पोजीशन में आएंगे। आप लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को ऐसे पकड़िए और अपने दाहिने हाथ को देखिए। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर के पास रखिए और अपने सिर को, अपनी छाती को घुटने पर लगाइए। फिर इसके बाद हम अर्धचंद्रासन की पोजीशन में आएंगे। अपने राइट वाले पैर के घुटने को ऐसे जमीन पर रखिए, सीधे रखिए और दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा में अर्धचंद्रासन की पोजीशन में आएंगे। फिर इसके बाद आप लेफ्ट साइड ऐसे आएंगे, अपने पंजे पर बैठ ऐसे बैठिए, हो सके तो अपनी एड़ी को जमीन पर रख लीजिए। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर सेंटर में आएंगे, फिर राइट साइड आ जाएंगे। फिर इसके बाद आप अपनी राइट साइड ऐसे मुड़िए और लेफ्ट वाले पैर घुटने को जमीन पर रखिए, अर्धचंद्रासन की पोजीशन में आएंगे।
उसके बाद त्रिकोणासन की पोजीशन में आएंगे। अपने पैरों को ऐसे सीधा करेंगे, दोनों कोहनियाँ और दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे, बाएं वाले पैर को दाहिनी तरफ ले आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर को ले जाएंगे, शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, नीचे आएंगे, राइट साइड जाएंगे, सेंटर में आएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, सेंटर में आएंगे, फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आएंगे। दोस्तों यह था चंद्र नमस्कार का एक राउंड हमने पूरा किया। पहले हमने इसे राइट साइड से किया, फिर लेफ्ट साइड से किया। इसे आप अपने 10 मिनट एवरीडे निकालिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।